देखो हमने क्या किया, अर्थ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पोटेंशियलजी नेगेटिव में है, -10 -9 -8 करते करते तो पोटेंशियलजी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैंने बताया। अब दूसरा स्टेप ये समझें, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, अर्थ उसे कहाँ खींचेगी, नीचे। तो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे। और अगर फोर्स नीचे होगी तो ई की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, नीचे। तो ई वेक्टर नीचे, क्लियर है। पोटेंशियल की बात करें, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल किसका बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही है। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने चार चीजें करवाई। पहली फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, नीचे। ई की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, जहाँ फोर्स है नीचे, अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ आपको नीचे खींचेगी। ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक, उल्टा बोलूं, अगर ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज, तो अगर नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। उल्टा, तो क्या मैं एक रूल बना सकता हूं कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई, अगर आप ई की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो मैंने रूल लिखा हुआ है, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है कैसे लिखा। तो जैसे जैसे आप ई की डायरेक्शन में नीचे आएंगे, नीचे आने में पोटेंशियल कम होता है। तो ये रूल बना दिया, काम आएगा ये रूल आने वाले टाइम में। पर यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, अब लगाना कैसे है। ये चारों चीजें जो हमने सीखी, फोर्स, ई, एनर्जी और पोटेंशियल, इन चारों क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स में कैसे लगाना है, इसको एक बार देखते हैं। जो तो क्वेश्चन फोर्स के और ई के होंगे, ये तो वेक्टर बेस्ड होंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको सॉल्व करने के लिए वेक्टर के रूल लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है, इनमें वेक्टर का कोई चक्कर नहीं है, कोई कॉम्पोनेंट्स नहीं, कुछ नहीं बनाना। तो करें स्टार्ट, ध्यान से देखना है। सपोज करो आपके पास तीन मासेज हैं, पहला मास 200 kg, 400 kg और 300 kg, तीन मासेज हैं। क्वेश्चन है, और डिस्टेंस इनके बीच में 10 मीटर और 12 मीटर गिवन है। क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन M3। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको नेट फोर्स किस पे निकालनी है, M3 पे। M3 पे फोर्स कौन लगाएगा, सराउंडिंग मासेस जो आसपास सराउंड कर रहे हैं, तो M3 पे फोर्स कौन लगाएगा, एक M2 लगाएगा। M3 पे एक फोर्स कौन लगाएगा, M1 लगाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि M1 ने कितनी फोर्स लगाई, M1 ने M3 को क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो वेक्टर लेफ्ट बनेगा अट्रैक्शन का, कितना, जी M1 M3 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। सही, उसी तरीके से M2 ने M3 को अट्रैक्ट किया, तो M2 ने M3 को अट्रैक्ट किया, जी M2 M3 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या होगी M3 पे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देना है, माइनस, जो भी बड़ा होगा छोटा माइनस कर देना आंसर। अब इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैंने आपको ये बोला कि नेट फोर्स M3 पे ड्रॉ करो, तो सारे वेक्टर आपने कहां ड्रॉ करने हैं, M3 पे, ना आपने M2 पे करना है, ना आपने M1 पे करना है। ये बात काफी लोग घर जाके भूल जाते हैं, वो अगले दिन आते हैं, वो पूछते हैं कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया कि M3 ने M2 को फोर्स लगाई, M2 ने M3 को फोर्स लगाई, तो आपने वेक्टर यहां को नहीं ड्रॉ किया, या M2 ने M1 को फोर्स लगाई, आपने ये फोर्स ही नहीं ली। रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि फोर्सेस लग नहीं रही, लग रही हैं। मेरे से सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि M3 के ऊपर फोर्स निकालो बस, तो मैं ये देखूंगा कि M3 को फोर्स लगा कौन रहा है। तो M3 को फोर्स M1 लगा रहा है और M2 लगा रहा है, तो बस मैं उन्हीं की फोर्सेस कंसिडर करूंगा, और जो फोर्सेस लग रही हैं उनको कंसिडर नहीं करूंगा। क्या ये रूल क्लियर है। चलो मैं फिर से समझाता हूँ इस रूल को। ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे किया, एक बार चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, इस बार नेट फोर्स किस पे निकालनी है, M2 पे। ये रहा आपका M2, इस पे निकालनी है। अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, M2 पे, ये समझा रहा हूं। अब M3 भूल जाओ, M1 भूल जाओ, M2 पे
नेट फोर्स निकालनी है। अब ये बताओ M2 पे फोर्स लगाएगा कौन? M2 पे एक फोर्स कौन लगाएगा? M3। और M2 पे एक फोर्स कौन लगाएगा? M1। तो मुझे पता है कि इस M2 को M3 अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। कितनी फोर्स के साथ? जी एम टू एम थ्री बाई 12 का स्क्वायर। क्या ये पहली फोर्स क्लियर है? और फिर M1 भी M2 को अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स ऑफ जी M1 M2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 यानी कि 22 का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो आपने एक चीज नोट की, M1 ने M3 पे, M3 ने M1 पे भी फोर्स लगाई पर मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरे से पूछा कि नेट फोर्स किस पे निकालनी है? M2 पे, तो मैंने M2 पे ले ली। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां पर नेट फोर्स कहां आई? दो फोर्सेस कहां आ रही है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो टोटल फोर्स क्या होगी? इसको और इसको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे फिर से क्वेश्चन चेंज करते हैं, इस बार नेट फोर्स किस पे निकालनी है? एम वन पे। तो अब एम वन पे फोर्स कौन लगाएगा? एक लगाएगा एम थ्री, एक लगाएगा एम टू। तो एम थ्री एम वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। कितनी फोर्स के साथ? जी M1 M3 by 10 का स्क्वायर। और M2 M1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। G M1 M2 divided by 22 का स्क्वायर। और दोनों फोर्सेस आपस में क्या करेंगे? ऐड। आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? क्लियर है? क्वेश्चन कर लो, ये लो एक करो, ये लो क्वेश्चन है। सपोज आपके पास एक 1 केजी है, ये 1 केजी है, ये 2 केजी है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। आपको नेट फोर्स इस पे निकालनी है 1 केजी पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 केजी, इस पे निकालनी है। बनाओ वेक्टर्स। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर सबसे पहले ये देखो कि 1 केजी के ऊपर इस 1 केजी को फोर्स लगाएगा कौन? एक 2 केजी और एक 1 केजी। 2 केजी इसे अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। बोलो जी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब 1 केजी को ये 1 केजी भी क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो एक वैक्टर यहां भी बनेगा फिर से, जी इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर। नेट फोर्स क्या होगी? इन दोनों को उठा के क्या कर देना है? एड। आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है कि इसको फोर्स कौन लगाएगा आस पड़ोस के मासेस। तो आप सारे वेक्टर ड्रॉ कर लो, जैसे मान लो आप सब m1 m2 m3 अप टू mn मासेस हैं और क्वेश्चन है मेरे ऊपर फोर्स क्या लगी, तो कैसे करोगे सॉल्व? इसने मेरे को अट्रैक्ट किया, इसने भी किया, इसने भी किया, सबकी वेक्टर सबके वेक्टर बनाऊंगा, फिर वेक्टर सम से नेट फोर्स निकालूंगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जब एक पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालनी है तो उसके सराउंडिंग पार्टिकल उसके ऊपर पहले फोर्स लगाएंगे, फिर उसका नेट फोर्स जो होगा वेक्टर सम से जब निकलेगा वो उसकी नेट फोर्स की वैल्यू होगी। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। आंसर जी बाय फोर नहीं आ सकता ना, कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, इसकी वैल्यू भी तो पुट करनी है, ऐड कर लेना, ऐड करके जी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, फिर बड़ी कैलकुलेशन है। ओके, ये तो रही बात फोर्स की, फोर्स की। अब बात करते हैं ई की। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, ई का। अब ई की वैल्यू के लिए क्वेश्चन फिर सेम, आपके पास तीन मासेज हैं m1 m2 और m3 सेपरेटेड बाय 10 एंड 12 मीटर। ध्यान आ गए, क्या निकालना है मुझे, नेट ई निकालना है किसके ऊपर, मास m3 पे। तो अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, m3 पे। क्या निकालना है फोर्स की, ई। अब ई का तो रूल सिंपल है कि अगर मुझे m3 पे ई निकालना है तो मुझे m3 की जरूरत है ही नहीं, वो मैटर नहीं करेगा। तो उठा के इसको मैंने क्या पुट कर दिया, 1। तो मैं m3 क्यों लूं, जहां मुझे ई निकालना है वहां +1 ले लिया मैंने, +1। बाकी रूल सेम है, m1 इस +1 पे ई लगाएगा। कैसे, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है तो ई भी अट्रैक्टिव है, तो ये इसे खींचेगा बाय ई की वैल्यू क्या होगी, जी m1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ऐसे m2 भी इसे खींचेगा तो ई की वैल्यू क्या लगेगा, जी m2 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर। सिंपल, बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। सेम नहीं है जैसे फोर्स किया था, बस फोर्स में फर्क ये था उसमें दो मासेस हैं, यहां का मास 1 नहीं पुट करना और ई के अंदर यहां का मास 1 पुट कर देना। ये उल्टा ज्यादा आसान है, एक मास ही गायब किया इसमें से। पॉइंट समझ में आया, जैसे फिर से करते हैं। सपोज करो सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार ई मुझे यहां निकालना है। अब मुझे इस पॉइंट पे ई निकालना है तो यहां का मास क्या ले लेंगे, 1 लेना ही नहीं, मैटर नहीं करेगा। अब यहां पर ई कौन लगाएगा, m3 लगाएगा और m2 लगाएगा, तो m3 इसे अट्रैक्ट करेगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, जी m3 बाय 10 का स्क्वायर, और m2 भी अट्रैक्ट करेगा जी m2 बाय 22 का स्क्वायर, और दोनों वेक्टर एक तरफ हैं तो नेट ई के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। आंसर क्लियर है। फिर एक बार करते हैं, तीन मासेज हैं, इस बार ई मुझे यहां निकालना है, जब यहां निकालना है तो यहां का मास +1 ई के केस में। ये m3 से अट्रैक्ट करेगा तो जी m3 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर, और ये m1 इसे अट्रैक्ट करेगा तो जी m1 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर, और दोनों को बिकॉज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन दोनों ऐड करके नेट आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो ई निकालना आ गया सबको। तो एक काम करो, एक ई निकाल के दिखाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लो ई की वैल्यू आपको निकालनी है। सपोज ये मास है 1 kg, ये मास है 1 kg, ये है 3 meter, 3 meter, ये है 4 meter। आपको ई जो निकालना है, यहां निकालना है, नेट ई क्या होगा, आपको इसमें नेट ई बताने क्या होगा। ये ऐसे कर लो इसको ना, 7 kg 7 kg कर लो,
देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें कि ये जहां पे ई निकालना है, अच्छा बताओ यहां पर मास क्या लेंगे, वन वन के जी या वन यूनिट ले लें, पहला स्टेप सबने ये किया। अच्छा इस पे ई कौन लगाएगा, 7 kg, 7 kg इस 1 kg को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ई की वैल्यू क्लियर है? तो ये ई क्या लगाएगा, ई की वैल्यू इसकी वजह से क्या होगी, जी इंटू 7 डिवाइडेड बाय, ये 4 है ये 3 है तो कितने मीटर है, 5, 5 का स्क्वायर। कितने लोगों ने ये किया, ई निकाला यहां तक, ठीक पहला स्टेप क्लियर है, लेकिन तो ये ई आ गया। सिमिलरली सिमिलरली एक ई यहां लगेगा, चेक करो प्लीज, सिमिलरली ई की वैल्यू यहां पर भी एग्जैक्टली सेम लगेगी, चेक करो ई की वैल्यू यहां पर भी क्या लगेगी, जी इंटू 7 डिवाइडेड बाय फिर से कितना, 5 का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, एक ई इधर है एक ई इधर है, हमें क्या निकालना है, नेट ई निकालना है। अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों का नेट रिजल्टेंट निकाल लें। रिजल्टेंट निकालने के लिए काम करते हैं, सपोज ये एंगल कितना है थीटा, सपोज ये एंगल कितना है थीटा, सिमेट्री है। तो अब ये जो वेक्टर ई, मान लो इसका नाम है ई, इस ई के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, या तो पैरेललोग्राम लगा दो एक चीज आ जाएगी, या फिर एक काम करो ई के कंपोनेंट बनेंगे, पहला कंपोनेंट नीचे बनेगा कितना, ई कॉस थीटा, और एक यहां बनेगा कितना, ई साइन थीटा। सिमिलरली ये ई है, ई का एक कंपोनेंट नीचे बनेगा कितना, ई कॉस थीटा, और एक यहां बनेगा कितना, ई साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल, तो नेट ई की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, डाउनवर्ड 2e cos थीटा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, नेट ई क्या आएगा, 2e cos थीटा। अब ई की वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो, जी इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ये बताओ कॉस थीटा क्या होगा, ये राइट एंगल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आएगा। समझ में आया यहां तक, गेम वेक्टर की है, गेम ग्रेविटेशन की है ही नहीं। ग्रेविटेशन में तो एक फॉर्मूला ही तो है ई का, बाकी तो गेम सारी वेक्टर की चलेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, मैंने बोला था ना आगे के चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बाकी सारा काम पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा, कभी वेक्टर कभी कैलकुलस कभी कुछ, ठीक। ठीक है यहां तक ऑनलाइन क्लियर है, यस yes. ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पहला हमने क्या किया था, फोर्स, फोर्स के न्यूमेरिकल किए, दूसरा ई, ई के न्यूमेरिकल किए, तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इजी है, रीजन इसमें वेक्टर नहीं है, वेक्टर में प्रॉब्लम है, वेक्टर में तो इधर वेक्टर उधर वेक्टर कंपोनेंट, इसमें बनने ही नहीं कंपोनेंट। ये देखो बहुत आसान है, इसमें क्या किया आपने, इसके अंदर आपने दो मासेस लिए m1 m2 सेपरेटेड बाय 10, और क्या पूछा गया, फाइंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलो क्या होगी, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है यहां तक, सिंपल फॉर्मूला लगा लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। स्टेप क्लियर है यहां तक, तो टू पार्टिकल्स की एनर्जी निकाल लोगे, ठीक। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन है, तीन पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3, इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल, हमें तीन पार्टिकल की नहीं आती, हमें दो पार्टिकल की आती है। अच्छा दो दो करके बोलो, पहले m1 m3 की बोलो क्या होगी, माइनस जी m1 m3 बाय r1, फिर बोलो m3 m2 की क्या होगी, माइनस जी m3 m2 बाय r2। अब बोलो m2 m1 की भी क्या होगी, क्योंकि पेयर लेने हैं, तो इसमें तीन पेयर बनेंगे, पहला m1 m3 का, दूसरा m3 और m2 का, तीसरा m1 और m2 का। तो जब m1 m2 का लेंगे तो माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दो दो करके लेंगे, एक बार इन दोनों की, माइनस जी m1 m3 बाय r1, एक बार इन दोनों की, माइनस जी m3 m2 बाय r2, और एक बार इन दोनों की, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, राइट। नेक्स्ट है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। फिर से वो चार्जेस नहीं है, थ्री मासेस करो यहां पर, ये चार्ज नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, थ्री मासेस। तो यहां पर क्या होगा, m1 m2 m3 तीन मासेस हैं,
तो पहले पेयर क्या लेंगे m1 m2 का, तो एनर्जी क्या होगी माइनस जी m1 m2 by r12, दूसरी m2 m3 की, तीसरी m1 m3 की, लिख लोगे तो टोटल एनर्जी को ऐड करना है, कोई वेक्टर तो है नहीं, सिंपली ऐड करके आंसर आ जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। सपोज क्वेश्चन में अब चार पार्टिकल्स आ गए, चार्जेस की जगह मासेस कर लो यार, क्योंकि ना इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो गलती से चार्जेस लिखा जा रहा है। जो पहला चैप्टर प्लस टू का है वो इसी के ऊपर सेम ऐसा ही है, तो इसलिए लोगों को प्लस टू ईजी भी लगती है स्टार्टिंग में, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट कर रखा होता है। तो चार पार्टिकल्स हैं, तो ले पेयर लें, पहला पेयर एम वन एम टू, दूसरा एम टू एम थ्री, तीसरा एम थ्री एम फोर, चौथा एम फोर एम वन, पाँचवा एम वन एम थ्री और सिक्स एम टू एम फोर, छः एनर्जीज आएंगी। क्या स्टेप क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है और इसमें क्या कि सपोज करो आपके पास तीन मासेज हैं, तीन मासेज हैं, वन के जी एंड वन के जी, सेपरेटेड बाय वन मीटर एंड वन मीटर, राइट। आपने क्या किया, इनको पुश किया या वर्क पुश किया, और या ऐसे बोल लो कि इसको पुल किया, बाहर की तरफ ले गए, और बाहर की तरफ ले गए और कुछ ऐसे केस बन गया सच दैट इनके बीच में अब जो सेपरेशन है आपने बढ़ा दी, 1 केजी 1 केजी कितनी 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो देखो ना, तीन मासेज अच्छे वाले पड़े थे, तीनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, पर आपने क्या किया, उनकी अगेंस्ट अट्रैक्शन उनको दूर कर दिया, वो चाहते क्या हैं अट्रैक्ट होना, पर आपने क्या किया उन्हें सेपरेट कर दिया। आपको क्या करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा ये क्वेश्चन है, ताकि उनके बीच में जो सेपरेशन है 1 मीटर की जगह 1.5 मीटर हो जाए। ठीक। तो क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में, आपने पहले निकालनी है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी 1 इंटू 1, क्योंकि 1 के जी इंटू 1 के जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 1। तो ये एक एनर्जी आ गई, ऐसी कितनी एनर्जी आएंगी ट्राइंगल में, तीन, तो इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दूं, क्योंकि एक ही बात है, सेम एनर्जी इसकी सेम एनर्जी इसकी। तो इनिशियल एनर्जी क्लियर है यहाँ तक। अब फाइनल एनर्जी क्या आएगी इनमें, माइनस जी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 3, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इसमें, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपने क्या किया होगा इसमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इस टाइप की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कैसे करनी है। तो जब भी वो अच्छे भले कुछ डिस्टेंस में पड़े होंगे पॉइंट्स, वो दो पार्टिकल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और आप उन्हें पास या दूर लेके जाएंगे, यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ताकि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, लॉजिक क्लियर है? नहीं, मैं और ये दो पार्टिकल हैं, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप आए, आपने हमें पीछे कर दिया, थोड़ा आपने खींच लिया, आप अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो ना, हम तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप हमें सेपरेट कर रहे हो, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे सिस्टम की पोटेंशियल जी चेंज होगी वही आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन काउंट होगा। ठीक, पॉइंट क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है क्या निकालना, पोटेंशियल। पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक है ये, मतलब इस शीट का। पोटेंशियल के अंदर क्या है, एम वन एम टू दो मासेज हैं सेपरेटेड बाय आर, और क्वेश्चन है एम वन पता है एम टू पता है आर पता है, आपको ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। मैंने आपको क्या मेथड सिखाया, अगर आपको ए पे पोटेंशियल निकालना है तो आप इस पहले सिस्टम की क्या निकाल लो, एनर्जी, उस एनर्जी को M2 से क्या कर लो, डिवाइड या करेक्शन कर लो, या M2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, M2 M2 कैंसिल, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाई कितना R। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाई R। ठीक, तो इसका एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट बताया मैंने, थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर M1 M2 दो मासेज हैं और अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर कितना मास है छोड़ ही दो, वन ही कर लो। तो इसने पोटेंशियल कितना लगाया, माइनस जी M1 बाय R डन, ज़्यादा इजी है। ठीक, अब क्वेश्चन है मान लो तीन मासेज हैं M1 M2 M3 और आपको पोटेंशियल कहाँ पर निकालना है, यहाँ पर,
तो यहां पर चाहे मास m1 पड़ा हुआ था, यहां पर क्या कर देना है 1। अब यहां पर पोटेंशियल लगाएगा कौन, एक m2 लगाएगा और एक m3 लगाएगा। m2 कितना लगाएगा, माइनस जी m2 डिवाइडेड बाय r12, और m3 क्या लगाएगा, माइनस जी m3 डिवाइडेड बाय r13। डन, कोई वेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपली ऐड। ठीक है यहां तक? तो कैसे निकलेंगे पोटेंशियल, क्लियर है?